మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बाय बॉय एडवांस लर्निंग. आज के हम इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आपके सामने जो है दो तरह के क्वेश्चन लिखे गए हैं, आप इनको समझिए. देखिए, लगाने के बाद हम इन क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस हम आपको बताएंगे. जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट हैपेन टू द रेसिस्टेंस of a conductor if length is increased 3 times and diameter is half. मतलब ये कह रहा है कि कोई कंडक्टर है आपके सामने, कोई कंडक्टर रखा गया है, उस कंडक्टर का लेंथ 3 times हो रहा है और उसका जो डायमीटर है वो हाफ हो रहा है, तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. यहाँ देखिए, ये कोई मटेरियल है, ठीक है. जब इसका लेंथ यहाँ पे कितना हो रहा है 3 times, मान लीजिए ये L था और इसका डायमीटर कितना था D था, तब हो क्या रहा है, इसका जो लेंथ है वो कितना हो गया 3 times हो गया और डायमीटर कितना हो गया हाफ हो गया, यानी कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है D/2. तो अब इसका रेसिस्टेंस जो होगा, इसके रेसिस्टेंस से कितना टाइम्स होगा हमें यही फाइंड आउट करना है. ठीक है, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस होगा, इसके रेसिस्टेंस से मान लीजिए R1 है तो R2 और R1 में क्या रिलेशनशिप होगा, कितना टाइम्स होगा R2 R1 के, हमें यही क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है. तो अगर हम R1 के लिए लिखें फार्मूला, तो R1 बराबर क्या होगा आपका ρL/A. A का आपको फार्मूला हमने बताया था, πD²/4 होता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4ρL/πD². ये हो गया R1 का पूरा. अब हम R2 का निकालते हैं. R2 जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुछ भी दिया है हम उसी तरह से वहाँ पुट कर देंगे. 4ρL कितना है 3 times है, तो यहाँ 3L पुट कर देंगे. ठीक है, और फिर यहाँ पर πD कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो यहाँ 1/2 यहाँ स्क्वायर कर देंगे. तो हो गया क्या, ये 4 ऊपर जाएगा, यहाँ 3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 4ρL अपन क्या हो जाएगा πD². होगा कि नहीं होगा, देखिए. तो फिर अब इसके जगह पे कितना दिया हुआ है आपका R1 दिया है, 12R1, यानी कि जो आपका R2 होगा वो 12 times हो जाएगा. R2 जो है R1 का कितना हो जाएगा 12 times, यानी कि ये आप D जो है क्या है आपका सही है. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया. देखिए प्रश्न क्या दिया था, इसका डायमीटर D है, लेंथ L है, R1 इसका रेसिस्टेंस है. इसी को ही हम क्या किए हैं, चेंज किए हैं. किस तरह से, मतलब इसके क्या किए हैं हमने, इसी कंडीशन को हमने चेंज किया है. इसका लेंथ जो है 3 times कर दिया, डायमीटर D/2 कर दिया, तो अब रेसिस्टेंस क्या है यही हम क्या किए हैं फाइंड आउट हमें करना था. मटेरियल दोनों सेम था इसलिए रेसिस्टिविटी इसमें क्या है, समान है. ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. यह लगने के लिए बहुत इजी वे में लग गया, लेकिन ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये IES में पूछा गया क्वेश्चन है, ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है ना, ये आपका UPSC IES में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यह सब. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ पे जो UPSC IES है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है. हम ऊपर वाला अब रिमूव करते हैं. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ देखिए कहा क्या रहा है कि ए ड्रॉन वायर ऑफ रेसिस्टेंस, पहले से खींचा गया रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू 5 ओम है, इज फर्दर ड्रॉन, फिर से खींचा जा रहा है, दैट इज डायमीटर बिकम्स 1/5. इसको तब तक खींचा जा रहा है जब तक इसका डायमीटर 1/5 ना हो जाए उसके ओरिजिनल वैल्यू से, तब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा यदि वैल्यूम जो है रिमेनिंग सेम, अगर वैल्यूम सेम रखा जाए तो. ठीक है, यहाँ देखिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक आपका कंडक्टर है. ठीक है,
उसका रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। इसका रेसिस्टेंस ऑलरेडी पहले ही से गिवन है कितना, 5 ओम है। फिर कह रहा है इसको ऐसा खींचा गया कि इसका जो डायमीटर बना वो डायमीटर कितना हो गया, 15 हो गया। मान लीजिए अगर ये डी है तो 15 डी हो गया, ठीक है। तो अब रेसिस्टेंस क्या होगा यही हमको फाइंड आउट करना है, जबकि वॉल्यूम इसका क्या है, सेम है। मतलब वॉल्यूम सेम है, इनका जो आयतन है वो क्या है, समान है। तो यहाँ आप देखिए, आप यहाँ बता रहे हैं आपको फार्मूला डायरेक्ट, जब स्ट्रेचिंग से इस तरह का चेंजिंग होता है तो मैं फार्मूला डायरेक्ट बताया, R2 बराबर 1/n² × r1। ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला बनाया है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है a2 बराबर n a1। मतलब कि जो आपका बाद में जो आपको एरिया फाइंड हो रही है वह a1 के कितना मल्टीपल में है, ठीक है, 25, 100, 20, 35 कितने मल्टीपल में है। तो जितने मल्टीपल में a1 है वही n का क्या है, मान है। तो हमको यहाँ पे a2 निकालना पड़ेगा कि a1 के कितने टाइम्स में आ रहा है, जितने टाइम्स के में आएगा वही n का मान होगा, उसी को यहाँ पुट करेंगे तो हमें r2 का मान इजीली फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले a2 का मान निकालना होगा। a2 का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए a1 के लिए क्या होगा, πd² कैसे निकाला जाता है, हमने बताया था πr² आर के जहाँ पर d/2 पुट कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, πd² / 4 हो गया a1 का मान, हो गया ना। अब देखिए इसी में चेंजिंग क्या किया गया है, इसका डायमीटर कितना किया गया है आपका, 1/5 किया गया है। तो यहाँ a1 यहाँ 5 इसका 1/5 कर दीजिए, d² / 4 तो कितना हो जाएगा, 1/25 πd² / 4। तो यहाँ इसके जगह पे आप क्या रख दीजिए, a1 रख दीजिए, ये आपका कितना होगा, a2 निकालना है हम ना, तो 1/5 a1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। हमने a2 के फार्मूले में जो कंडीशन दिया गया है उसी कंडीशन का डायमीटर क्या है, 1/5 हो गया है। तो डायमीटर 1/5 क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। जब इसको सॉल्व किए तो हमको 1/25 यहाँ a1 जो वैल्यू है वहाँ मिल गया हमको, यानी कि a2 बराबर अगर n a1 से कंपेरिजन करें तो हमें n बराबर क्या मिलेगा, 1/25। जब हमें n की वैल्यू मिल गई तब हमें रेसिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा। n की वैल्यू लाके यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ r1 कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 625 × r1। r1 का मान कितना दिया है, 5 ओम, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो रेसिस्टेंस होगा वो 3125 ओम होगा, ठीक है। कितना होगा, 3125 ओम। आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, पहले हम निकाला कि जब हम इसको खींच करके डायमीटर 1/5 कर रहे हैं तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमने देखा एरिया 1/225 हो गया, यानी कि n का मान कितना हो गया, हमने बताया ना एरिया अगर रिड्यूस होकर के 1/2 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, या 2 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 5 जो भी हो जा रहा है, तो एरिया कितने मल्टीपल में हो रहा है उसी एरिया की जो मल्टीपल है वही n का मान है, वही यहाँ पे क्या करना, पुट करना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने डायमीटर के सहारे से, डायमीटर का 1/5 हो गया तो d के जगह पे 1/5 रख दिया, डायमीटर के सहायता से हमको एरिया में फाइंड आउट हो गया। जब हमको एरिया फाइंड आउट हो गया तो उसी n की वैल्यू को उठा कर डायरेक्ट फार्मूले में रख दिए और हमारा आंसर क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। ये UPSC IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकली हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रिमूव करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है लेकिन आप ध्यान देंगे तो ज़रूर ही सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है एक कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी, लेंथ यहाँ पे लेंथ एल कर दीजिए, डायमीटर डी लेंथ एल कंज्यूम्ड ए पावर ऑफ डब्लू, व्हेन ए करेंट आई फ्लोज थ्रू इट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। जब इसमें करंट आई फ्लो होगी तो क्या पावर कंज्यूम होगा, यह क्वेश्चन कुछ अनकम्प्लीट लग रहा है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया,
कह रहा है ए कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी लेंथ एल कंज्यूम्ड ए पावर ऑफ डब्लू व्हेन ए करेंट आई फ्लोस थ्रू इट। मतलब ये देखिए यहाँ इतना कहने का मतलब ये है इसका कि एक कंडक्टर है उसका डायमीटर कितना है डी है, लेंथ एल है और वह जो है डब्लू पावर कंज्यूम करता है अगर उसमें आई करेंट फ्लो हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डब्लू बराबर लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, यानी कि यहाँ पे हम ब्लैक से सॉल्व करते हैं इसको, विजिबिलिटी से अधिक होती है तो आई स्क्वायर आर, तो आर बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, यानी कि आई स्क्वायर इसको पाई डी स्क्वायर अपन फोर में कन्वर्ट करिए तो फोर रो एल अपन क्या हो गया पाई डी स्क्वायर हो गया, हो गया ना, ये W का वैल्यू निकल गया सिंपल में, जहाँ तक ये कह रहा है वहाँ तक अगर आप देखें तो मतलब यहाँ तक ठीक है। कह रहा अब व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम, अब पावर क्या होगा जब उसका डायमीटर D और L दोनों हाफ हो जाएंगे और करेंट जो है तीन गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए अब इसका जो पावर होगा वो आपका कितना हो गया P2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा P2, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग में क्या था P1 था, ठीक है तो P2 हो जाएगा करंट, जैसे इसी में हम पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, इसी में ही हम पूरी वैल्यू क्या कर देंगे पुट करें, करंट कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, फिर देखिए रो तो फिक्स ही है, एल कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा और फिर डायमीटर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो पाई डी बटी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ आप देखेंगे तो क्या जाएगा 9 हो जाएगा 9 आई स्क्वायर रो एल, नीचे क्या है 2 हो जाएगा और फिर नीचे देखिए पाई डी स्क्वायर अपन कितना होगा 4, तो 4 को आप ऊपर कर सकते हैं ईजिली, यहाँ पे आपका जो 4 था 4 यहाँ पे ऑलरेडी हम 4 पुट किए रहेंगे, 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो यहाँ आपका इसको हम लास्ट में 4 कर देते हैं। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर तो क्या हो जाएगा 36 आई स्क्वायर रो एल इंटू 4, इस 4 को हम किनारे रखे रहेंगे, ठीक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अब पाई डी स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमारी बात समझ में आई, ये जैसे था उसी में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा वैल्यू पुट कर दिया, ये 2 गुना कर दिया, ये आधा कर दिया और ये आधा कर दिया, दिख रहा है बाकी जो जैसा है मैंने वैसे उसको रख दिया, कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है आप खुद करके भी देख सकते हैं। ये 4 को ऊपर भेज दिए तो 9 और 4 में 9 4 इंजा 36 हो गया, यहाँ पे 2 पाई डी स्क्वायर हो गया, अब ये 2 है आपस में कितना हो गया कट जाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 रो आई स्क्वायर रो एल अपन कितना हो गया पाई डी स्क्वायर, तो यहाँ आप देखिए इस पूरे के बराबर कितना है W है, तो यहाँ आप W पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो आपका P2 होगा वो कितना होगा 18 वाट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका कितना वाट होगा 18, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले जैसा कंडीशन में जैसा क्वेश्चन कहा था मैंने वैसा लिख दिया, उसके बाद जो जैसा कहा मैंने वैसे पुट कर दिया और फिर इसी वैल्यू को उठाकर लास्ट में फाइनली पुट कर दिया तो हमें आंसर गेट हो गया, ठीक है ना। तो इन दिस क्वेश्चन ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इस क्वेश्चन में हमें केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर ले लेना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और फिर नीचे वाले क्वेश्चन पर को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और डी के बीच हमें क्या करना है टोटल रेसिस्टेंस को क्या करना है फाइंड आउट करना है ए और डी के बीच, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो देखिए हम सीधी सी बात आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई सामान ऐसा है जिसका कहीं यूज नहीं है तो आप उसको क्या कर देते हैं फेंक देते हैं या तो बेच देते हैं, मतलब जो अपने यूज के लिए नहीं है उसको अपने पास नहीं रखते हैं। मान लीजिए शरीर ही है, शरीर में अगर कहीं जिस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए वो पार्ट क्या हो जाता है शून्य हो जाता है,
मतलब उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता है। बस वही चीज़ यहाँ समझिए, जो ब्रांच इसमें रिडक्टेंट हो जाता है, जिस ब्रांच में करंट फ्लो होना संभव नहीं होता है, उस ब्रांच को हम सर्किट से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, हमें ए और बी के बीच, डी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको प्लस मान लें और इसको क्या मान लें, माइनस मान लें। हमें दो टर्मिनल मिल गया। अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो ऐसे जाएगा, इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, फिर यही करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो हो करके वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, करंट ना यहाँ आएगा और ना करंट यहाँ आएगा। तो ये दोनों ब्रांच जो है रिडक्टेंट ब्रांच होंगे, और इन तीनों ब्रांच को हम सर्किट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि अब क्योंकि दोनों यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए, किसमें हो गए, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 ओम। ये भी दोनों सीरीज में हो गए, इनका भी कितना होगा, 20 ओम। तो इस तरह से अब जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन मिल गया। तो अब आप देखिए ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तब हमें इस तरह से सर्किट मिली। तो 20 और 20 का पैरेलल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10। अब बताइए ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो बहुत ही ईजिली तीनों सीरीज में हो गए। तो आप इनके बीच रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा, 10 + 10 + 10 कितना होगा, 30। तो इस तरह से ये 30 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ डिस्कस कर लिया। अब इस पर हम एक क्वेश्चन और हम इस पर डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है रूल ऑफ सिमेट्री पर, यानी सिमेट्री सर्किट अब हमको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं, आप इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ आप एक नए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ यह कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उस आई का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम आई का मान तभी निकाल पाएंगे जब हम ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें, तभी ना रेसिस्टेंस में वोल्टेज में रेसिस्टेंस को डिवाइड कर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के एक क्रॉस आपको टोटल रेसिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, आपको दोनों के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए, जैसे जब व्हीट स्टोन ब्रिज आप पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा रूल ऑफ सिमेट्री आपको हम बताएंगे, जैसे आप व्हीट स्टोन ब्रिज जब पढ़ते हैं ऐसे, यहाँ पे गैलोनोमीटर लगा देते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब सेम मान लीजिए, यहाँ पे टू यहाँ पे फोर, मतलब आप यहाँ पे इस तरह का रेसिस्टेंस होता है कि दोनों का रेशियो क्या हो, बराबर हो, तभी व्हीट स्टोन ब्रिज की ब्रिज बैलेंस होता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 वोल्ट है, मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट ना मिलकर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 50 वोल्ट है। ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे मान लिए 2R, 4R, 4R, 2R ऐसे मानिए, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब यहाँ ड्रॉप होगा 50 वोल्ट से घट करके मान लीजिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हो गया 30 वोल्ट। तो यहाँ देखिए, तो चूंकि रेसिस्टेंस दोनों सेम है, तो जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वही करंट इसमें भी फ्लो होगी, तो यहाँ भी अगर यहाँ 30 वोल्ट हो रहा है तो यहाँ भी 30 वोल्ट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ड्रॉप के कारण यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यहाँ 30 वोल्ट हो गया 50 से, और वही 30 वोल्ट दोनों पॉइंटों पर सेम वोल्टेज है। जब सेम वोल्टेज होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो होगी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का होना क्या है, ज़रूरी है। तो इन दोनों के बीच करंट फ्लो नहीं होगा, यानी गैलोमीटर कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा, मतलब कोई करंट जब फ्लो ही नहीं होता इंडिकेशन क्या देगा। तो अगर हम इसके लिए एक, इसके जगह पर हम एक रूल भी बना सकते हैं, क्या कि अगर हम
यहाँ पे एक आईना रख दें, आईना तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब आप एक आईना रख देंगे और दोनों सेम सेम दिखें, मतलब यहाँ जो है 2R होना चाहिए, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 4R, यहाँ पे 4R, तो दोनों क्या होने चाहिए बिल्कुल सेम सेम। यहाँ पर आईना रख दें तो आप देखेंगे 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है तो 4 यहाँ भी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, कि मतलब हम एक दर्पण एक मिरर यहाँ रख दें तो बिल्कुल सेम चीज़ यानी मिरर इमेज यहाँ अगर बने तो हम बीच में एक जो हमको जो एक्सिस मिलेगी उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर इस गैल्वेनोमीटर के जगह पर अगर मान लीजिए एक यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गैल्वेनोमीटर के जगह पे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से रिमूव कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री रूल, इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री रूल बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि टर्मिनल के परपेंडिकुलर में ये रूल लगा रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका पैर, ये जो है टर्मिनल है दोनों ए और बी, तो ए और बी इसके परपेंडिकुलर ये रूल लग रहा है इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री बोलते हैं। जब टर्मिनल के हम पैरेलल हम ये रूल लगाते हैं तो उसको हम होल्डिंग सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ आप देखिए, देखिए सीधी सी बात हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इस टर्मिनल के परपेंडिकुलर कोई ऐसा एक्सिस बन रहा है, एक ऐसा मिरर एक्सिस अगर बन रहा है, मिरर एक्सिस मतलब जो रेसिस्टेंस इधर वही रेसिस्टेंस उधर, जो इधर वही उधर, मिरर अगर बन रहा है, इमेज अगर बन रहा है तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं या सिमेट्री एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस पे जो भी रेसिस्टेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्री रूल, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री रूल। जब करंट फ्लो ही नहीं होगी तो हम उस ब्रांच को रिडक्टेंट कर सकते हैं, जैसे जस्ट इसके पहले वाला हमने बताया था एग्जाम्पल, वही काम हमको यहाँ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे आपको रूल ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा, यहाँ पे आप मिरर अगर रखें तो अगर 2 ओम यहाँ है तो 2 ओम यहाँ है, 3 ओम यहाँ है तो 3 ओम यहाँ है, 6 ओम यहाँ है तो 6 ओम यहाँ है, यानी कि ये रूल ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इस बीच वाले ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ये रूल ऑफ सिमेट्री को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए अब ए और बी के बीच एक कोवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना कितना आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया, जब रूल ऑफ सिमेट्री मालूम रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है टर्मिनल के परपेंडिकुलर हम एक ऐसा मिरर इरेज फाइंड करते हैं, मिरर इमेज फाइंड आउट जब करते हैं तो जिस एक्सिस पे हम मिरर रखते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उस पर जो भी रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं इसलिए उसको सर्किट से अलग कर देते हैं। तो यहाँ अब आप देखिए, यहाँ ये दोनों सीरीज में होंगे, यहाँ ये दोनों सीरीज में और यहाँ ये दोनों सीरीज में, अब बाकी सब एक दूसरे, फिर ये दोनों सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। देखिए यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा, ये पैरेलल में होंगे और यहाँ पे आपकी सप्लाई होगी 6 वोल्ट की, ये प्लस ये माइनस, इन तीनों को आप पैरेलल ही हैं, तीनों तीनों को आप तीनों का मान निकाल लीजिए तो कितना होगा, 1/r, यानी कि 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, मतलब ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6/12, 1/2, यानी कि जो R का मान आया कितना आया, 2 ओम, मतलब इन 6 वोल्ट के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 2 ओम, तो करंट I का मान कितना होगा, 6/2, 2 × 6, यानी कि 3 एम्पियर करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपसे कहा जाए A और B के बीच एक कोवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से A और B, इसी तरह से रूल ऑफ सिमेट्री का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल कितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है ये बहुत ईजी, ठीक है। इसी रूल ऑफ सिमेट्री की वजह से ही आप इसको, आपको ही इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग रूल ऑफ सिमेट्री, इसको सिमेट्री का रूल यूज करके आप इसी को खुद आपको सॉल्व करना है। यहाँ ए और बी दिख रहा है, यहाँ भी आपको मिरर इमेज दिख रहे हैं, आर 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 आर, मतलब इस एक्सिस को पर भी आप मिरर लगा सकते हैं, तो आप इस एक्सिस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए
निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। ये तीनों आपके सब सीरीज में हो गए, ये आपके सब सीरीज में हो गए, ठीक है। आ इधर आप देखिए, तो ये दोनों सीरीज में इधर, ये दोनों सीरीज में। अब फिर ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मान लीजिए 2R आया, ये 2R, तो 2R और 2R क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इनके बीच एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, वो R होगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरा आपका आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब R 4R, मतलब यहाँ भी 4R और नीचे भी 4R। अब इनके बीच तीनों पैरेलल में हैं, आपस में इनके बीच टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इसमें भी रूल ऑफ सिमेट्री का हमने यूज किया, बीच वाले ब्रांच को क्या किया, हटाया, तो हमें देखे कि सारा सवाल, ये पूरा सवाल क्या हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। तो रूल ऑफ सिमेट्री का प्रयोग करके आप बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी आप ईजी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जितना सवाल ये क्वेश्चन संभव था, ठीक है, मैंने सब बताया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफिनीशंस, वोल्टेज का डिफिनीशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन, EMF का डिफिनीशन, ठीक है, और ये आपस में किस तरह से मिलते जुलते हैं, पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन की जाएंगी, इसलिए ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारा आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।